अरे भाई कुछ किए ही नहीं। अरे डर नहीं लगता जी? अबे तुम ज्यादा ही करता अरे अरे भाई को अपना भैया फोन कर रहे हैं। अरे भाई अपना भैया फोन कर रहे वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फिर से आ चुके हैं आप लोगों के पास नए ब्लॉग लेके नए जोश के साथ। तो गाइस अभी हम लोग फिलहाल चल रहे हैं फुटबॉल खेल देखने के लिए। बहुत ही धमाकेदार खेल हो रहा है और आज है सेकंड डे और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और आप लोगों को आवाज वगैरह कैसा आ रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस ब्लॉग में माइक यूज किया हूँ, पहले एक दो ब्लॉग जो मेरा मोटो देखे उसमें माइक वगैरह यूज नहीं कर रहा था, तो इस वजह से बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा था। और क्योंकि इस वीडियो में आवाज वगैरह अच्छे से आ रहा होगा और मौसम भी काफी सुहाना किया हुआ है, क्लाउडली मौसम किया हुआ है, हल्का हल्का बारिश वाला है। तो चलिए अभी चलते हैं वहाँ पे। और यार आप लोग मेरे वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप लोगों ने जितने भी व्यूअर्स मेरे उनमें से सिर्फ 5% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, अदरवाइज 95% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो आप लोग सोच सकते हो हम लोगों को कैसा लगेगा। तो प्लीज जो जो वीडियो को देखते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और गाइस लाइक जरूर करना। लाइक थोड़ा सा बाइक को भगाना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज्यादा लेट हो चुके हम लोग वहाँ पे, फिर नहीं तो मजा वगैरह नहीं आएगा। और ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग का घर से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। और देख सकते हैं इधर चारों तरफ धान की खेती किया हुआ है, हरियाली चारों तरफ, इधर भी हरियाली इधर भी हरियाली। और गाइस यहाँ पे आप लोग जितने लोगों को देख रहे हैं रोड में आगे तरफ की आ जा रहा है सब वहीं पे जा रहा फुटबॉल खेल देखने के लिए। बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ होता है और बहुत ही दूर दूर से लोग वहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि अदर कंट्री से भी खेलने के लिए आते हैं और हमारे झारखंड में अदर कंट्रीज खेलने के लिए आते हैं, ये बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है। और गाइस मैं आप लोगों के लिए मेरा एक बहुत ही यादगार जगह दिखाता हूँ और वो जगह कौन सा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उनमें से देखे होंगे कि मैं एक्सप्लोर को एक्सीडेंट करते करते बच गया था, ऑलमोस्ट उसके ऊपर चढ़ाई दिया था, कुछ हुआ नहीं, वो थोड़ा भाग गया। अदरवाइज मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था और वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज्यादा भीड़ है। ओ गाइस यहाँ पे फुटबॉल खेलेगा तो प्लेयर सब वहीं पे है, देख सकते हैं ये लोग भी यहाँ पे देख रही है सब। और ऐसा देखो एक देख सकते हैं ये जो प्लेयर सब है ये लोग कहाँ का है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। सब नया नया देश का जैसा लग रहा है, ये लोग को देख सकते हैं। और आप लोग आगे तरफ जो दिख रहा है गैस वहाँ पे बांध के ले जा रहा है पीछे तरफ बाइक में, वो लोग वहाँ पे जाके चखना वगैरह बनाएंगी और अपना पैसा वगैरह कमाएंगी। यही होता है एक दो मौका पैसा वगैरह कमाने का। और बहुत ज़्यादा भीड़ है गैस, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है, सब इधर उधर जा रहे हैं, ये लोग भी वहीं पे जा रहे हैं। और आप लोग एक बार देखो चारों तरफ उधर बाइक का भरमार लगा हुआ, देख सकते हो कितने आए थे बाइक वहाँ पे लगा हुआ है और सब यहाँ पे खेल देखने के लिए आए हैं। गाइस इतना भीड़ तो एक बड़ा बड़ा मेला में भी नहीं लगता है जितना यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। और हो भी क्यों ना, झारखंड का यही फेमस खेल है फुटबॉल खेल और यहाँ पे पुलिस तैनात किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और गाइस उधर खेला हो रहा है देख सकते हैं मेरे दाएं तरफ, और यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है बिकॉज पब्लिक बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, रजिस्टर्ड भी बनाया गया है। अदरवाइज मैं इससे पहले जितना भी फुटबॉल खेल देखने गया हूँ वहाँ पे इस तरह का कोई मेला वगैरह नहीं लगाया गया था जो यहाँ पे इस तरह मेला लगाया गया है और जो इस तरह स्टेट बनाया गया है। ये यार आगे तरफ मेरे को रोक के रख रहा है, खुद तो जा नहीं रहा है, देख सकते हो अभी आ ही रहे हैं लोग, लगता है अभी पूरी तरह से खेल स्टार्ट नहीं हुआ है और यहाँ पे कोई नहीं सुनता है किसी का बात, सब अपना मस्त बगान है। तो गाइस अभी हम लोग चलेंगे पार्किंग ढूंढेंगे अभी वहाँ पे अपना गाड़ी लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे ऐसा सुनने में आया कि कल को जो खेला हुआ था सेकेंड डे है, कल को जो खेला हुआ था वहाँ पे 2-3 बाइक चोरी वगैरह भी हो गया था, तो इस वजह से एक अच्छा वाला पार्किंग ढूंढेंगे। इसके उसके हाथ में अपना बाइक नहीं सौंप सकते हैं और बच्चा का मस्ती देख सकते हैं टोरा टोरी में बैठे हुए चल रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं पार्किंग में, ऑफ व्यू की अच्छा वाला पार्किंग मिल जाए, और उधर भी पार्किंग था लेकिन हम लोग इधर घूम के आ रहे हैं। अरे हम तो अपना इधर जा रहे थे, क्यों भाग रहा था आपको? अरे भाई भाग कर दे यार, इना होना तुम लोग कैसे कर दिया जी, मेरा भैया का बाइक है, मेरा नहीं है, हमारा भैया जिसका का बाइक है। अरे छोड़ दो, नहीं नहीं आप कभी नहीं आएंगे इधर, तुम लोग माफ कर दो प्लीज भाई, ऐसा कभी रोड में नहीं आएंगे। अरे भाई साइड में हम बाइक चला रहे थे, हम किए क्या, क्यों किया कुछ किए ही नहीं गाड़ी को, अरे भाई गाड़ी कुछ मत कर, अरे भाई छोड़ दो, अरे कभी ऐसा आप कभी नहीं आएंगे प्लीज भाई, तुम लोग माफ कर दो, क्यों कभी नहीं आएंगे भाई, रोड में कभी आएंगे क्या, जल्दी का साझा जरूर मिलेंगे आप भाई, हम कुछ किए ही नहीं,
क्यों कुछ नहीं किए? इधर पूछ लो, साइड साइड में लोग है, हम लोग साइड से पार हुए। तुम लोग साला अपने से बोल रहा है, हमको पहचानता कौन है? कौन है पहचानता है? हम यूट्यूबर है भाई, मोटो ब्लॉग करते हैं। लेकिन आपको गलती क्या है ना? गलती क्या की यार, आप वीडियो में सब रिकॉर्ड हुआ, तुम लोग क्या गलती क्या नहीं किया? अरे भाई कुछ किए ही नहीं, अरे अरे भाई कुछ किए ही नहीं, तो कैसे उतर जाएंगे गाड़ी को? गाड़ी काले सब तुम लोग, डर नहीं लगता है जी? डर नहीं लगता है जी? डर नहीं लगता? अबे तुम ज्यादा ही करता है, साले कुछ किए ही नहीं फिर क्या करता है? दिखा नहीं दे रहा क्या साला? कुछ किए ही नहीं फिर? नहीं देखा कहाँ देख रहे? कलर 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 छोड़ो, कलर छोड़ो, कलर छोड़ो, आपको दिखाई नहीं देता? नहीं नहीं, अरे 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 कौन कर रहे? अरे भाई को अपना भैया फोन कर रहे हैं। अरे भाई अपना भैया फोन कर रहे हैं। अरे अरे मेरा मोबाइल है। अरे भाई मोबाइल नहीं देगा, मोबाइल मेरा चाबी दे दो, हम कुछ और नहीं करेंगे। आप कभी नहीं आएंगे इधर, कभी नहीं आएंगे प्लीज भाई, इधर कभी नहीं आएंगे। अरे भाई चाबी दो, चाबी नहीं देगा गाड़ी में कहाँ? अरे भाई चाबी इसको क्या? अभी नहीं भाई, कभी ऐसा नहीं करेंगे भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई, ये रोड में कभी नहीं आएंगे और कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो प्लीज दो, चाबी दो प्लीज भाई प्लीज। तो गाइस मैं चाबी किस तरह ले लिया हूँ, इसी तरह से लोग से चाबी किसी तरह ले लिया हूँ, अब जानता जाऊंगा ये लोग से। क्यों जा रहे हो? अरे भाई आपको, अरे भाई छोड़ो भाई, अरे भाई सब। तो गाइस मैं किसी तरह लोग से भागा अभी, और गाइस इधर मैं कभी नहीं आऊँगा, पार्किंग करने के लिए आया था लेकिन ये लोग साला। तो गाइस मुझे नहीं पता था कि उधर कोई पार्किंग भी है, और मैं हिडन रास्ता में चल गया था, जिसके वजह से गाइस पता नहीं कौन कौन आदमी से मिल गया, दिमाग खराब कर दिया। और यार ये ऑटो वाला भी बीच में कैसे कर रहा, लगता है पूरा दिन ही खराब है मेरा, दिमाग खराब करके रख दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और वैसे यहाँ क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, अब मन भी नहीं कर रहा मेला घूमने का, दिमाग खराब। किसी तरह यहाँ से निकलेंगे गाइस, बात भी करने का मन नहीं कर रहा है। और ये देखो यहाँ पे पीछे पूरा खड़ा है, पी लेता है साले सब एकदम। इधर से रास्ता, इधर से गाड़ी निकलेगा राजू? हाँ चलो तो इधर जाएंगे। हाँ हो गया, हाथ भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा यार, वो लोग तो हाथापाई हो गया, मैं नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा मेरे साथ भी। गजब यार, अब मेला भी घूमने का मूड नहीं कर रहा है, दिमाग खराब करके रख दिया है साले साहब। तो गाइस भीड़ से निकलते उसके बाद आप लोगों से मैं बात करता हूँ, कुछ मन नहीं कर रहा है। हाथीगढ़ में खेला हो रहा है ये, हिरणपुर का नीचे हाथीगढ़ में, और बहुत ही दूर दूर से यहाँ पे खिलाड़ी आते खेलने के लिए, लगभग लगभग इंडिया के हर एक स्टेट से आते खेलने के लिए। और मैं यहाँ पे फॉरनर खिलाड़ी को भी दिखा, पता नहीं वो क्या माजरा है, शायद वो लोग भी खेलते होंगे। और जाम देख सकते हो आप लोग, उधर खेल हो रहा है गाइस, एक तो हाथापाई भी हुआ और ये लोग ऊपर से इतना भीड़ लगा रखा, बाईपास रोड भी नहीं है कि इधर उधर से कुछ करें, मूड खराब हो गया गाइस। सही आज मेरा दिन ही खराब था यार, बहुत ही शौक से आए थे कि फुटबॉल खेल देखेंगे। कोई ठोका का पीछे तरफ गाड़ी, पीछे तरफ लगता कोई गाड़ी ठोक दिया यार, भीड़ 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 बोलना नहीं होगा। इधर खेल चल रहा है देख सकते हैं आप लोग, गाइस आप लोग देख सकते हैं मिरर सब पूरा इधर उधर टेढ़ा वड़ा कर दिया है, ये वाला थोड़ा थोड़ा ठीक है, अब ठीक करवाना पड़ेगा गैरेज में ले जाके, काफी लोग दिमाग खराब करके रख दिया था और फाइनली भीड़ से निकल गए। तो गाइस आप लोग जैसे कि देखे आज पूरा दिन कैसा रहा, नहीं रहा, हम लोग पूरा मस्ती से गए थे, सोच रहे थे फुटबॉल खेल देखने के लिए आएंगे जाएंगे वहाँ पे, लेकिन हम लोग चाह के वो फुटबॉल खेल नहीं देख पाए, साला इतना दिमाग खराब करके रख दिया था। जैसे हम लोग पार्क करने गए, जैसे अपना बाइक को वैसे साला सब वो मिल गया, शायद रखता पिया हुआ था हड़िया वगैरह वैसे, और माइक भी तोड़ ताड़ के रख दिया, माइक भी ठीक करना पड़ेगा यार, इमोशनल में बहुत ज़्यादा हो गया, सही में बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। क्योंकि गाइस वो जो माइक है मैं अमेजन से तीन बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई करने के बाद भी मतलब 15 से 20 दिन मेरा टाइम लॉस्ट हो गया, उसके बाद फ्लिपकार्ट से ट्राई किए, उसके बाद आया माइक, के बाद फिर मैं ब्लॉग बनाने निकला था वो माइक भी तोड़ दिया, इसके वजह से आप लोगों को थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है। बाकी गाइस पानी पिया भी बहुत ज्यादा लगा, कहीं भी रुक के पानी वगैरह पियेंगे, और मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर टिल देन। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे मोटो ब्लॉग देखने के लिए नेक्स्ट राइड के लिए। तो नेक्स्ट टाइम पे और गाइस वीडियो को लाइक और कमेंट, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या वो लोग सही किए गलत किए, आप लोग जैसा लग रहा है नीचे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। रखते हैं, बाय।